हेलो एवरीवन, नई शिक्षक भर्ती 2023 पदों की संख्या 6800 से भी अधिक जो है आई है। बीएड, बीएसटीसी, बीए बीएड या बीएससी बीएड स्टूडेंट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने कंप्यूटर में डिप्लोमा या डिग्री हासिल की है तो वो भी स्टूडेंट यहां पर आवेदन कर पाएंगे। सीईटी जो है यहाँ पर नहीं मांगा गया है। क्या रीट पास स्टूडेंट, सीटेट पास स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे? सारी डिटेल में इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, कुल जो पदों की संख्या है वो 6843 पद है, यानी 6800 से अधिक पदों पर ये वैकेंसी आई है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन आप चेक करें, क्योंकि क्वालिफिकेशन अगर है तो ही आप जो है इस वैकेंसी के बारे में सोच सकते हैं। पैरा टीचर्स के लिए जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो भारत में किसी भी विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपने बीएड किया है, बीएसटीसी किया है, बीटीसी किया है, डीलेड किया है, तो आप यहाँ पर योग्य माने जाएंगे। कंप्यूटर शिक्षक के लिए यहाँ पर भारत में किसी विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी में स्नातक, पीजीडीसीए, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन अनिवार्य होगा। इसके अलावा कंप्यूटर एप्लीकेशन वालों को जो अन्य समान डिप्लोमा या फिर डॉएक सोसाइटी द्वारा संचालित ओ या ए लेवल कोर्स जो है वो पास होना अनिवार्य है। तो ये जो है बिल्कुल फ्रेश एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है, शॉर्ट नोटिस जो है वो अभी आया है। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में जानकारी दे चुकी हूँ, यदि आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो आप देखिएगा, पिछली जो भर्ती हुई थी तो किस तरीके से जो है वहाँ पर चयन हुआ था, क्योंकि यहाँ पर पहले जो है वो कोई एग्जाम नहीं हुआ था, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन किया गया था। अभी जो है ये जो वैकेंसी आई है तो कुल पदों की संख्या जो है वो 4143 जो है शिक्षा अनुदेशक एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के पद हैं, और 2700 जो है कंप्यूटर अनुदेशक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पद हैं। ये जो है शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है, डिटेल में एडवर्टीजमेंट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा 27 अक्टूबर 2023 को, ठीक है। तो आप लोग जो है मेन वेबसाइट पर अगर अभी देखेंगे तो आप लोगों को कुछ भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि आवेदन भी जो है इसी दिन स्टार्ट होंगे और आप लोगों को डिटेल में एडवर्टीजमेंट भी जो है इसमें देखने को मिलेगी। और यहां पर जो है रीट पास स्टूडेंट, सीटेट पास स्टूडेंट को जो है वो मौका मिलेगा या नहीं, डिटेल एडवर्टीजमेंट जैसे ही आएगी मैं आप लोगों को उसमें सूचना दूंगी, क्योंकि क्वालिफिकेशन जो है वो केवल इतनी ही मांगी गई है कि आप लोगों ने जो है यहाँ पर बी एड, बी टी सी, डी एड, एस टी सी आपने किया है तो आप यहाँ पर योग्य हैं। अभी जो है सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट की जो है वैकेंसी है इसमें भी शिक्षा अनुदेशक 4143 पदों में, ये भी जो है डिटेल एडवर्टीजमेंट आएगी तभी हम लोगों को जो है उसमें देखने को मिलेगा। बाकी यदि आप जो है और भी जो है जानकारी लेना चाहते हैं तो पिछला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दी है। और जैसे ही जो है ये डिटेल एडवर्टीजमेंट जारी होती है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें, कंप्लीट जानकारी आप लोगों को इस चैनल पर जरूर मिलेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।